धंधा पानी सब बंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा रिव्यू है फिल्म इंडिया लॉकडाउन के ट्रेलर का। इससे पहले हमने इसका टीजर भी रिव्यू किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Z5 ओरिजिनल पे स्ट्रीम होगी 2 दिसंबर 2022 को। फिल्म बेस्ड है चार लोगों की अलग अलग कहानियों पर जो 21 दिन के लॉकडाउन में फंसे हैं। 21 दिनों तक पूरा भारत बंद रहेगा। पहली कहानी एक प्रोस्टिट्यूट की है जो फनी लग रही है, दूसरी फीमेल पायलट की है, तीसरी एक रिटायर्ड ओल्ड मैन की है जो इंटरेस्टिंग लग रही है, और चौथी कहानी एक माइग्रेंट वर्कर के परिवार की है जो काफी इमोशनल लग रही है। ट्रेलर में दिखाई गई है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स कि कैसे लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ 21 दिन की नहीं के बाद जो लॉकडाउन एक्सटेंड होता है उसकी भी है, और कैसे उस पर ज्यादा चैलेंजेस आते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने पर देश में लग रहा है दूसरा लॉकडाउन। मजदूर के पास रेंट और खाने के पैसे नहीं है, सच में बहुत भूख लगी, और वापस गांव जाने के लिए रोज 40 किलोमीटर परिवार के साथ चलने को मजबूर है। एक रिटायर्ड ओल्ड मैन की कहानी भी है जिसे हैदराबाद जाना है अपनी प्रेग्नेंट बेटी से मिलने। पूरे देश में लॉकडाउन लग गई है, मैं हैदराबाद नहीं जा सकता। एक प्रोस्टिट्यूट जिसे पैसे चाहिए ताकि वो माँ को भेज सके। मेरी माँ को मैं क्या भेजेगी पैसा। प्रॉब्लम्स एंड मोर प्रॉब्लम्स। ट्रेलर में सारे दृश्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं, लोकेशन भी रियलिस्टिक लग रही है, कास्टिंग सुपर्ब है। प्रोस्टिट्यूट का रोल इज वेरी वेल प्लेड बाय श्वेता बासु प्रसाद। उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्सेंट इफेक्टिव है जो उनके रोल को सपोर्ट करता है। कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहे लोगों को और लोग एम्बुलेंस पे गेम बजा रहे। प्रतीक बब्बर इस अवतार में थोड़े नकली लगते हैं पर उम्मीद है कि फिल्म में सही बैठेंगे। उनकी वाइफ का रोल भी अच्छा है। फिल्म के राइटर अमित जोशी और आराधना साह हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है मधुर भंडारकर जी ने, जिन्हें रियलिटी बेस्ड फिल्म्स बनाने में माहिरत हासिल है। इंडिया लॉकडाउन फिल्म को प्रोड्यूस किया है भंडारकर एंटरटेनमेंट, पीजे मोशन पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज ने। इंडिया लॉकडाउन फिल्म बेस्ड है लॉकडाउन के रियल इवेंट्स पर जो कहीं ना कहीं लोगों के डार्क एक्सपीरियंसेस को दिखाती है। ट्रेलर इंडिकेट करता है कि स्टोरी हार्ड हिटिंग होगी, ऑडियंस से फिल्म का अच्छा कनेक्ट होगा क्योंकि ऑडियंस लॉकडाउन झेल चुका है। अच्छा है कि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स पर नहीं आ रही पर सीधा Z5 OTT पे आ रही है, क्योंकि हॉल में लोग दुख भरी यादों के लिए शायद नहीं जाते। ओवरऑल आई रियली लाइक द ट्रेलर। आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो बेल का आइकॉन स्मैश करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।